तो जनता ने उनकी बत्ती गुल कर दी और अब जिसने जनता ने जिसको मार दिया हो, अब मरे हुए आदमी पे क्या चर्चा करनी है। कौन कितना गाली दे सकता है, कौन कितना भद्दा बोल सकता है, कौन कितना छिछोरापन कर सकता है, उनमें कंपटीशन चल रहा है। घोषित उपचुनाव में जीत की तरफ बढ़ रही समाजवादी पार्टी के में जश्न का माहौल है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तमाम नौजवान हमारे साथ हैं। कैसे देख रहे हो इस उपचुनाव? ये उपचुनाव देश की जनता के लिए एक संदेश है। आदरणीय अखिलेश यादव ने संदेश दिया और ये जनता का चुनाव था, जनता चुनाव जीती है। और ये 2027 का संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि छात्रों नौजवानों की सरकार आने जा रही है, जिसमें छात्र को रोजगार मिलेगा, किसानों की मदद होगी, किसानों की फसल पूरी माफ होगी और अस्पताल बनाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। ये उसका जीत का चुनाव है। हमारे साथ बात करने के लिए राजपाल कश्यप भी हैं। राजपाल, कैसे देख रहे हैं इस चुनावी नतीजे को? देखिए, घोसी की जनता ने देश की सरकार को, बीजेपी की और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार को, दोनों को सीधा संदेश दिया है कि जो बीजेपी घमंड से भरी हुई है और जिस बीजेपी में दम्भ है, शासन सत्ता के दम पे और सरकारी तंत्र के दम पे जिस तरीके का उत्पीड़न कर रहे थे समाजवादियों का, वहाँ घोसी की जनता ने जवाब दिया है और समाजवादी पार्टी को विजयी बना के माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों और कार्यक्रमों पे ठप्पा लगाने का काम किया है। और जिला पंचायत भी कई जगह जीते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का, पूरे उत्तर प्रदेश का संदेश है और उत्तर प्रदेश जीता है और बीजेपी सरकार हारी है। ओम प्रकाश राजभर घूम घूम कर कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का डब्बा गुल हो जाएगा। अब तो जनता ने उनकी बत्ती गुल कर दी और अब जिसने जनता ने जिसको मार दिया हो, अब मरे हुए आदमी पे क्या चर्चा करनी है। और उनका घमंड, जिस तरीके की बेहाई, जिस तरीके की बदतमीजी, जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पे टीका टिप्पणी और जिस तरीके से यादव समाज पे जिस तरीके के टीका टिप्पणी की, ये उनका घमंड था। और ये ओम प्रकाश राजभर जिस डाल पे बैठेंगे वो डाल सूख जाएगी। अब ये दो आदमी, डॉक्टर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, ये अपने वोट की ठेकेदारी बताते थे। आज डॉक्टर संजय निषाद को निषाद छोड़ चुका है, ओम प्रकाश को राजभर छोड़ चुका है और जाति धर्म से उठ के यहाँ पे घोसी में जनता ने वोट दिया है। आपने डॉक्टर संजय निषाद की बात की, संजय निषाद ने आज हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया रुझान के समय कह रहे थे कि वो पाकिस्तान वाले डिब्बे खुल रहे हैं, बक्से खुल रहे हैं, वो दोनों में कंपटीशन चल रहा है, डॉक्टर संजय निषाद में, ओम प्रकाश में, कि कौन कितना गाली दे सकता है, कौन कितना भद्दा बोल सकता है, कौन कितना छिछोरापन कर सकता है, उनमें कंपटीशन चल रहा है। और जनता ने इन्हीं छिछोरोपन की वजह से जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया है। और ओम प्रकाश राजभर का डब्बा बंद हो गया और डॉक्टर संजय निषाद का भी डब्बा बंद हो गया। समाजवादी पार्टी जीती है, माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियां जीती है, उनका जनता में विश्वास जीता है। ये समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं जो उत्साहित हैं घोसी उपचुनाव में, उनका कहना है कि अभी 2024 से पहले के ये उपचुनाव बता रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।